बस बस बेटी बस, जीती रहो, सौभाग्यवती रहो। बहू, रसोई घर में जलघड़े के पास दिया रख दिया ना? जी माँ जी, और बाहर आंगन और तुलसी जी के पास भी दिए रख दिए हैं। अरे मनसुख, तू जाके छत, बालकनी और बाहर गार्डन में भी दिए रख दे। बहू, अपने साथ प्रीति सोनाली को भी ले लो, अकेली क्या क्या काम करोगी। जी माँ जी। बस ऐसे ही बहू अपने अजय के लिए मिल जाए तो घर में एक और राम सीता की जोड़ी बन जाएगी। कृष्णा जी, जोड़ी बनाने वाले हम कौन होते हैं? अरे जोड़ियां तो ऊपर भगवान के यहाँ से बन के आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पंडित मायाराम के यहाँ से बनकर आती है। सुनिए सुनिए, देखिए रिश्तेदारी की पहली घड़ी आ गई। थैंक यू। पहले पति, बाद में राष्ट्रपति। लो बेटा। अग्रवाल साहब, ख्याल से इन दोनों को कुछ देर आपस में समझने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शादी के बाद तो दुनिया इन्हें समझाएगी ना। ये सारी किताबें आपकी हैं? जी। लगता है किताबें पढ़ने का बहुत शौक है आपको। जी हाँ, लाइब्रेरी में शायद ही कोई किताब होगी जो मैंने पढ़ी नहीं होगी। वैसे तो मैं MSc की स्टूडेंट हूँ, बट आई लाइक रीडिंग ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स, स्पेशली लिटरेचर। वाओ, लिटरेचर! यू नो, दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स एट वन टाइम। लेकिन जैसे जैसे मैंने वकालत की पढ़ाई शुरू की, बाकी सारे शौक धीरे धीरे छूटते चले गए, और उसके बाद तो सिर्फ कानून की किताबें और केस फाइल्स में उलझा रह गया मैं। तो क्या आपने पहले से ही सोच लिया था कि आप लॉयर बनेंगे? सिर्फ लॉयर? नो, वन ऑफ द बेस्ट लॉयर इन द कंट्री, यू नो। जब से मैंने LLB की पढ़ाई शुरू की थी, तब से मैंने ये तय कर लिया था कि बनूंगा तो सबसे सक्सेसफुल लॉयर बनूंगा। जो सपना बाबूजी ने देखा है, उस सपने को जरूर पूरा करके रहूंगा। और जिस तरह से आपकी चर्चा हो रही है, लगता है आपका सपना जल्द ही पूरा हो जाएगा। अब छोड़िए ना, ये तो रही मेरे सपनों की बात, आप कुछ अपने सपनों के बारे में बताइए मुझे। मैंने भी बहुत सपने देखे हैं, और लगता है कि उनमें से एक सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। बेटा अजय, हमने तो एक दूसरे को पसंद कर लिया, अब तुम अपनी राय भी बता दो। वही जो आप लोगों की एक दूसरे के बारे में है। इसका मतलब डील फाइनल है भैया। पंडित जी, अब आप एक अच्छा सा मुहूर्त निकाल दी। केवल 7 दिनों तक ही शुभ मुहूर्त है, और इस दरमियान सगाई और शादी हो जानी चाहिए। इसका मतलब 1 डे इंटरनेशनल मैच। तू चुप रहेगा पंडित जी, वो क्यों? इसकी वजह यह है कि 7 दिनों के बाद ये शुभ तारा डूब जाएगा। अरे अजय भैया, आपका तो मैरिज स्टार्स उगने से पहले ही। तेरी बकबक बंद कर पंडित जी। अब समय कम ही सही, पर हम मिलजुल कर तैयारी कर लेंगे, क्यों भंडारी साहब? हाँ बिल्कुल अजय भैया, सेहरा तैयार करवा दूँ, हाँ, और भाभी डोली सजा दूँ आपके लिए। अरे मैं तो बताना ही भूल गया मैं कौन हूँ भाभी। भाभी, मेरा नाम है कमल, मैं आपका सबसे छोटा देवर हूँ। तो इस नाते मुंह मीठा कराने का रसम पहले मैं अदा करूँगा। वो हाथ गंदे है ना मेरे, इसलिए। वो क्या है ना, यहाँ आने की बहुत जल्दी थी ना, इसीलिए हाथ धोना ही भूल गया। हाँ ये देखिए ना, मेरे कपड़े भी कितने गंदे हैं, मैं तो बदलने ही वाला था, लेकिन माँ ने कह दिया कि तेरी शादी थोड़ी ना है, ऐसे ही चल। लीजिए ना भाभी।
क्या कमल, छोटी भाभी के आते ही बड़ी भाभी को भूल गया? ला दे, मैं खाती हूँ मिठाई। नहीं भाभी, मेरे हाथ दे ना। लो बेटा पहना दो। जी बाबूजी। बेटा, व्हाट हैव यू डन? क्या किया तुमने ये? क्यों ही कोई अपनी जिंदगी गवाता है भला? पापा, किसी कोई अपनी जिंदगी खोता है? के बिना जी नहीं सकती पापा। लेकिन वो भी तुम्हें चाहे तब ना। तुम्हें इस प्यार को भूलना होगा बेटा। पर पापा, अगर ये सिर्फ एक प्यार होता तो मैं तुम भुला सकती थी। अगर वो मेरी जिंदगी में शामिल है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। दिल का सौदा एक ही बार होता है पापा, बार बार नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं अजय को किसी दूसरी लड़की के बंधन में बंधे नहीं दूंगा। पर इट्स नॉट पॉसिबल पापा, सिर्फ 3 दिन बाकी है उसकी शादी में। 3 दिन तो बहुत ज्यादा है बेटा। पेशे से वकील हूं मैं, अदालतों के इमारतों में 3-3 घंटे में मैंने फैसले बदले हैं, और ये केस तो मेरी बेटी की खुशियों का है। इसमें शिकस्त कैसी? जादू, तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ बाबूजी, मैंने जो कुछ कहा है बहुत सोच समझ कर कहा है। अब अगर समझ कर ना कह रहे हो तो तब क्यों वहां गई थी? तब तुम्हारी समझदारी कहां गई थी? तुम्हारी ये बेवकूफी दोनों परिवारों पर बिजली बनकर गिर सकती है। तो मैं क्या करूं माँ, मेरा करियर दांव पर है। और जो तुम उस बच्ची की जिंदगी दांव पे लगा रहे हो उसका क्या? हाँ अजय, तुम क्या समझते हो ये शादी ब्याह कोई खेल तमाशा है? जब मन आया खेल लिया और जब इच्छा ना हो तो टाल दिया। दो परिवारों के बीच की कड़ी होता है ये रिश्ता, और उसके बाद ये अटूट रिश्ता संस्कार बनकर रगो में दौड़ता है। और ये कैरियर वैरियर सब जिंदगी की बेमानी बातें हैं, खोखले शब्द हैं ये। और तुम्हें अगर शादी नहीं करनी थी, क्यों किया खिलवाड़? क्यों किया? बाबूजी, मेरा इरादा किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना नहीं था। मैं सिर्फ अपना भविष्य संजोना चाहता हूँ बस। पत्नी भी भविष्य का ही हिस्सा होती है अजय, वो लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे कि विश्वनाथ अग्रवाल ने भंडारी के साथ राइवलरी निकाली, मैंने उस दुश्मनी को रिश्ते में बदला था, और ये दोबारा उस रिश्ते को दुश्मनी में बदल देगा। अजय, तुम मेरी बात सुन लो, तुम शादी करोगे और अभी, और पल्लवी से करोगे, वरना क्या बाबूजी? वरना क्या? वरना तुम दोबारा इस घर में कदम नहीं रखोगे। अजय, तुमने कभी सोचा है तुम्हारे इस इनकार से समाज में जो हमारा नाम है उस पर कितना कलंक लगेगा? लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, कितने ताने देंगे हमें। और फिर अजय, तुम्हारी शादी भी तो हमारी खुशियों का ही एक हिस्सा है ना। भाभी, क्या मेरा करियर आप लोगों की खुशियों का हिस्सा नहीं है? हाँ, अगर वो बन गया तो ये भी बन जाएगा। अजय, ये दलीलें अदालत में अच्छी लगती हैं, घर में नहीं। हम सब तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। ये मैंने कब कहा भैया कि आप लोग मेरे दुश्मन हैं? आप लोग ही कहते हैं ना कि शादी दो दिलों का मेल होता है, हाँ? तो इसमें प्रेशर अच्छा नहीं लगता है। प्रेशर? प्रेशर? प्रेशर तो तुम हम पर डाल रहे हो, इन सब पे डाल रहे हो, मुझ पे डाल रहे हो, और उस परिवार पर डाल रहे हो जो तुम्हारे इस फैसले से अनजान है। अजय, मुझे तुम्हारा फैसला अभी और इसी क्षण चाहिए। तुम पल्लवी से शादी करोगे वरना ये घर छोड़ दोगे हमेशा के लिए।
फिर क्या फैसला है तुम्हारा अजय? मेरा फैसला वही है भाभी, जो आप लोगों की नजर में गलत है। यहां बैठो तो। एक बात कहूं, यहां आने से पहले मैं भी किसी और परिवार का हिस्सा थी। जब मेरी शादी हुई तो मैं तुम्हारे परिवार का एक अटूट अंग बन गई। अजय, हम नारियां होती ही ऐसी हैं, जो हमें प्यार और सम्मान देता है वो हमारा आराध्य बन जाता है। इसीलिए मैं कहती हूं अजय, समाज की नजरों में पल्लवी तुम्हारी पत्नी हो चुकी है, प्लीज उसे मत ठुकराओ। भाभी, ना तो मैंने पल्लवी को ठुकराया है और ना ही कभी उसे पूरी तरह से अपनाया था। ये तो मैरिज तो एक प्रपोजल होता है भाभी। शादी कोई प्रपोजल नहीं होता अजय, शादी तो दो मन और आत्माओं का मिलन होता है। ये ले बेटा। ये क्या है मामा? ये तेरा संसार है, ये राई के दानों की पोटली है। तू बहू बन के उस घर में जा रही है ना, एक बात याद रखना बेटा, बहू ये सूत के कपड़े की तरह होती है और परिवार वाले इन राई के दानों की तरह। उन सबको अपने स्नेह के कपड़े में बांध के रखना। जी मामा। अजय, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर पछताना पड़े। भाभी, मैंने हमेशा से आपको अपना आदर्श माना था, मानता हूं और मानता रहूंगा, लेकिन लेकिन मैं अपने फैसले पर अडिग रहने के लिए मजबूर हूं भाभी। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना। I'm really sorry. Bye, Bobby. जवाब तुमका भंडारी साहब, वो तो यही समझेंगे ना कि चूंकि हमारी बिजनेस की राइवलरी, इसलिए मैंने अपना कोई पुराना पतला निकाला। चलिए हम सब चलकर माफी मांगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा करने से उन्हें और जलालत महसूस होगी और लगेगा कि हम लोगों ने गलती की है। की तो है बहू, वो लोग लड़की वाले हैं, जमाने में उनकी बदनामी हमसे कई गुना ज्यादा होगी। लोग तो यही कहेंगे कि लड़की में कोई खोट होगी। सिक्का तो हमारा खोटा है ना माँ, क्या जवाब दूंगा मैं, क्या कहूंगा? और माँ, हम भी बेटियों वाले हैं। बाबूजी, शादी तो अब भी हो सकती है। एक रास्ता है, अगर आप आज्ञा दे तो। कहो बेटे,
बाबूजी, पल्लवी की शादी कमल से कर दी तो? What? कमल? ये तुम क्या कहती हो बेटी? हाँ माँ जी, देखिए ना बाबूजी, शादी तो खानदान देखकर तय की जाती है। पहले घर परिवार देखा जाता है, बाद में लड़का लड़की, और फिर भंडारी साहब ने भी तो हमारा परिवार देखकर ये रिश्ता तय किया था ना। मगर भाभी, क्या वो इस रिश्ते को मंजूर करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, हम भी तो कर रहे हैं, और फिर हमारे कमल में भी तो इसी परिवार के संस्कार हैं। हमने भंडारी साहब से उनकी बेटी को अपने यहाँ बहू लाने का वादा किया था। जब हम उनका मान रख रहे हैं तो वो भी तो हमारा मान रख सकते हैं। लेकिन पार्वती, क्या पल्लवी की और कमल, क्या ये उचित होगा? बाबूजी, अगर अब हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो कुछ भी होगा वो अनुचित होगा। बहू ठीक कह रही है बेटा, मगर पहले कमल की मर्जी तो जान लो। कमल, मैं भाभी, भाजी भला क्या है बुरा क्या है मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन अगर मेरे हाँ कहने से किसी लड़की की इज्जत समाज में रह जाती है और दो परिवारों के बीच में रिश्ता बंधा रहता है तो मैं राजी हूँ भाभी। तो आप अपने दूसरे बेटे को ले आए, और कल को अगर फेरों से पहले ये दूसरा बेटा रिश्ता ठुकरा देगा तो आप तीसरे को ले आए। मेरी बेटी की तो जैसे कोई मर्जी नहीं है। ऐसा मत कहिए भाई साहब, मैं भी एक औरत हूं, औरत के दिल को अच्छी तरह से समझ सकती हूं। हम तो अजय की गलती का प्रायश्चित करने आए हैं। आप एक बार पल्लवी से पूछ लीजिए, अगर वो हां कहे तो हाँ, और अगर वो ना कहे तो कोई बात नहीं। भाभी, आप क्या सोच रहे हो कमल? भाभी, मैं सोच रहा था कि अजय भैया मुझसे ज्यादा काबिल है। किस मामले में? हर मामले में भाभी, खेल में, पढ़ाई में, काम में, मैं तो बस ऐसा। कमल, पढ़ाई लिखाई से इंसान काबिल नहीं होता, वो तो अपनी इंसानियत और भल मनसाहत से काबिल होता है। काबिलियत तो इंसान के आचार व्यवहार और सहजता में होती है, और कमल, उसकी तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। काबिलियत तो वो वृक्ष होता है जो छाया भी देता है और फल भी। भाभी, आप जो कुछ भी कहती हैं वो मेरी समझ में नहीं आता, मगर मैं आपको समझ जाता हूं। इसलिए तो मैं कहती हूं कि तू बहुत समझदार है। मैं उस घर में बहू बनकर जाऊंगी, उसी मंडप में, उसी मुहूर्त पर। मैंने ये शादी करने का फैसला कर लिया है। वाह बेटा, शादी भी तेरी है और तैयारियां भी तू ही कर रहा है। भाजी, मुझे अच्छा लगता है ना काम कर। भाजी, आपको गाना याद है वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? उस गाने के मुखड़े को मैं बदल देता हूँ। अब गाना कुछ ऐसा है कि अब्दुल्ला की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझना।
सॉरी, मैं ऐसे ही मैं उठा देता। रहने दो कमल, मैं साफ कर देती हूँ। पार्वती, शादी के दिनों में मेहंदी का गिरना अपशगुन माना जाता है। जानती हूँ माँ जी। अभी सॉरी, दरअसल क्या मैं यूं ही ऐसे नाच रहा था तो ये हाथ हाँ, क्या मेहंदी का गिरना अपशगुन होता है? बेटा, हमें यही माना जाता है कि शादी में मेहंदी का गिरना अपशगुन है। पार्वती, यहाँ तो साफ हो गया लेकिन तुम्हारे हाथों में दाग लग गए। माँ जी, अपने हाथों पर लगे दाग तो मैं सहन कर सकती हूँ लेकिन अपने घर पे लगे हुए दाग मैं सहन नहीं कर सकती। और फिर जिस इंसान के घर पे दाग हो उसके खुद के साफ रहने के क्या मायने हैं? मेरा घर साफ है, मेरे घर वालों के दिल साफ हैं, और मुझे क्या चाहिए माँ जी? ये दाग तो वक्त के साथ मिट जाते लेकिन वो दाग नहीं मिटते। जिस इंसान के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं, उसके नाम की लाली मेरे हाथों की शोभा नहीं बल्कि कलंक है, एक बदनुमा दाग है। ये रिश्ता, जो इंसान समाज में दो कदम मेरे साथ चलने के लायक ना हो, उसके नाम की मेहंदी मेरे हाथों की शोभा कभी नहीं बन सकती। शायद उस खानदान के लोगों की शिक्षा अधूरी रह गई है, जो ये भी नहीं जानते कि अगर किसी औरत की कोमल भावनाएं जागृत हैं तो वो शीतल जल है, और अगर प्रतिशोध की अग्नि में तप रही है तो वो ज्वाला भी बन सकती है। के साथ फेरे लेंगे। उठे, ये बंधन मैं कभी खुलने नहीं दूंगी। ये गांठ तो तुमने बांध दी लेकिन तुम्हारे घर की खुशियों की गांठ तो मैं खोल कर रहूंगी। आओ, इस घर की गृह लक्ष्मी बनकर घर में प्रवेश करो। हे तुलसी मैया, आप पर बंधे ये धागे हमारे परिवार के सदस्य हैं, और आज मैं एक और धागा बांध रही हूँ, पल्लवी के नाम का। बस हमारा ये जीवन सदा रिश्तों के धागों से बंधा रहे। आज
ना कमल? मैं थक गई। चलो सो जाते, थक गए ना हम लोग। रुको, तुम यहां नहीं उस सोफे पर सोगे। वहां ठीक है, मैं वहां सो जाता हूँ, तुम यहां सो जाओ, पूरा पलंग तुम्हारा है, अच्छा है। मैं ठीक हूं यहां, गुड नाइट। यहां भी ठीक है। माँ, हमारी नई वाली बहू भाभी, क्या नाम है? पल्लवी। पल्लवी वो नजर नहीं आ रही, उनका व्रत है क्या आज? व्रत क्यों? नहीं, मतलब ये है कि हम सभी लोग नाश्ता कर रहे हैं सिवाय उनके। शायद थक गई होगी छाया, इसलिए अभी तक सो रही है। वाह क्या बात है, मेरी भाभियाँ तो बड़ी ही नसीब वाली हैं जिन्हें ऐसा ससुराल मिला है। माँ अब देखो ना, घर का सारा काम खत्म हो गया, नाश्ता निपट चुका है और महारानी अब तक सो रही है। छाया तुम भी ना। अरे वाह, आप लोग नाश्ता कर रहे हो, मुझे भी बहुत भूख लगी भाभी, कुछ दो ना। हाँ हाँ आ जा बेटा। थैंक यू भाभी। बेटा पल्लवी कहाँ है? मालूम नहीं माँ, सवेरे से वो कमरे में नहीं है। सुबह से नहीं है? मंदिर गई होंगी माँ। नहीं समझी, अभी से इस घर की सुख शांति के लिए दुआ मांगने। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माँ जी मैं जॉगिंग के लिए गई थी। एक्चुअली माँ जी मैं रोज जॉगिंग जाती हूँ, पूरे 2 घंटे, आदत है ना। हाँ बेटा वो तो हाँ। पल्लवी इन कपड़ों में जॉगिंग क्या ज्यादा इफेक्टिव होती है? बेटा ये कपड़े ठीक है लेकिन अपने घर में नहीं, ऐसे कपड़े पहन के बड़े बुजुर्गों के सामने नहीं जाया करते। माँ तुम कैसी बातें कर रही हो, अब क्या पल्लवी जॉगिंग साड़ी या सलवार कमीज पहन कर जाएगी? नहीं ना, और फिर अगर उसे जाना होता माँ तो वो आज ऐसा करना देती? छाया ये बात नहीं है, पल्लवी यहाँ पर नहीं है, 2-4 दिनों में यहाँ के तौर तरीके सीख जाएगी। माँ जी मुझे पता नहीं था, आगे से ध्यान रखूंगी। ठीक है बेटा। आगे से ध्यान रखूंगी, जिसने पहले दिन ही सब कुछ सिखा दिया हो वो क्या खाक ध्यान रखेगी माँ? वाह पल्लवी क्या चाल चली है, ये कागजात 2 जिंदगियों को अलग कर देंगे। अग्रवाल खानदान की बर्बादी का ये पहला अध्याय होगा, मैं इस घर की कहानी को बदल दूंगी।